कुमार मेरे साथ देखिए 8 नवंबर को मेरे यूट्यूब चैनल पर नोटबंदी को लेकर खास कार्यक्रम मैं और मेरे सहयोगी प्रदीप कुमार के साथ। आज सारा मकसद ये है कि अस अलग अलग अपने जिहड़े लोग जिले दे रहने वाले या असेंबली हल्के दे रहने वाले एक सांझा कार्यक्रम करचै जम्मू दे अंदर जिहदे च नुमाइंदगी जिहड़ी है अलग अलग असेंबली हल्के दी होवे और एक मंच पर बेही है अस एक पैगाम देचै इस हुकूमत की कि इनफ इज इनफ, बहुत हो गया और इकट्ठा होके एक ललकार रैली यहां से हम निकालेंगे, एक ललकार यहां से होगी पैंथर्स पार्टी की कि बहुत हो गया आपका भ्रष्टाचार हो बहुत हो गया आपका भेदभाव बहुत हो गया आपका जुल्म बहुत हो गया अब इससे ज्यादा पैंथर जो है वो तैयार नहीं है सहन करने को, यहां के लोग तैयार नहीं है मानने को। ये पैगाम हमारा इस ललकार रैली के माध्यम से इस बीजेपी और पीडीपी के गठबंधन को हम यहां पैंथर पार्टी की इस केस से देना चाहते हैं। हर्ष जी आगे बढ़ो, हमारे साथ हैं। हर्ष जी आगे बढ़ो, हमारे साथ। मेरे साथियों 70 साल रही है, बड़ा सहन किया जम्मू के लोगों, चाहे डोडा दे, चाहे भद्रवाह दे, चाहे पुंछ रजौरी दे, चाहे कठुआ रियासी दे, चाहे जम्मू दे, उधमपुर दे, सांबा दे, हमेशा असी सेकंड क्लास दर्जा जरा भी फैसला दिल्ली ना होना कश्मीर की मद्देनजर रखी है। कश्मीरी हुक्मरान ने फैसला करना तो कश्मीर की मद्देनजर रखी है। जम्मू ने लोगों के बारे च कुसै सरकार ने कदे सोचने की कोशिश नहीं की। मैं सवाए उन्हें 3 साल जिन्हें पैंथर्स पार्टी की भी मौका मिले। अज मेरे साथी ने दसिया कि मुलाजमत आती है जम्मू कश्मीर च तुहाड़े आस्ते नहीं, और कश्मीर के लोग उन्हें जम्मू आइए मुलाजमत दे करते ना, लोग जम्मू च कश्मीरी मुलाजमत मिला करती है। कितना भेदभाव है, कदों तक सहन करके? ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, कब तक हमारे बच्चे इसी तरीके से जो है नजरअंदाज होते रहेंगे और हम देखते रहेंगे? कदों तक? अस पूछना चाहते हैं इन्हें, ये जो पंजे नमूने बनाए, बड़े बड़े वादे किए, भेदभाव दूर हो जाएगा, समस्या का समाधान हम ही कर सकते हैं, मिलिटेंसी भी खत्म हो जाएगी, नौजवानों को भी हक मिल जाएगा, जम्मू को भी उसका हक मिल जाएगा। इन्हें मोए जेड़ा ए हाँ थोड़ा बोलता हा, वो भी गुआ उड़ा, वो भी कश्मीरियां वाला कर उठा। अज तक कदे नहीं होया कि इन्ना कट हिस्सा जम्मू भी कदे कुसै भी सरकार च धोया होया। गल सही है मरा या नहीं है? पंजी 30% दे कुदा लगदा गया हा, लेकिन इन्हें 10% को अभी थल ऐसे ही बजाई दिता, इन्हें सारा हिस्सा दे खादा गया खादा, इन्हें सारी पहचान भी मुकाने की एक साजिश कर दी। एक डोगरे को सारा मान और स्वाभिमान गया सड़े को। यह रियासत महाराजा गुलाब सिंह ने जल्द खरीदी, बाद सारे डोगरे शूरवीर अपने कुर्बानी नहीं है इस रियासत की सरहदें भी तिब्बत तक पहुंचाया। ठीक है गल या नहीं है?
कुर्बानी देने आस्ते डोगरे ते जसले उन्हें फल लगी याद रखा नहीं हो आई इंदे इंदे जुआई आई इंदे उत्तमा कितनी कुर्बानी दी है जम्मू के डोगरों ने आज तक मेरे साथियों इस रियासत की सरहदों को बचाने के लिए इस रियासत के लिए महाराजा हरि सिंह जी ने इस रियासत की हिंदुस्तान करने शामिल किया असेंगी यह मौका दिता कि अस हिंदुस्तानी कहलाने का।